एक हमारे दिमाग में डाउट होता है कंपनीज को देख के कि यार इन कंपनीज में जो इतने सारे एम्प्लॉयज हैं वो एक्चुअली काम क्या कर रहे होते हैं, जो काम मिलता है वो मिलता कैसे है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैंने ऑलमोस्ट 3 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया. मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी, क्या क्या टेक स्टैक पे मैंने काम किया था, कैसे वो टेक स्टैक सीखा था, इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया था, जब मैंने टीम स्विच करी थी तो कैसे टीम स्विच करी थी, टीम स्विच करने के बाद क्या प्रोजेक्ट्स मिले थे, एंड और भी बहुत सारी अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स एंड चीज़ें. तो हाय गाइस, निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल. जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट वॉज द फर्स्ट कंपनी दैट आई जॉइन, एंड मैंने ये ऑफ कैंपस क्रैक करी थी. बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि मैंने ऑन कैंपस मेरे को मिली थी एंड कॉलेज प्लेसमेंट मिली थी, बट ऐसा नहीं है. आई गॉट दिस ऑफ कैंपस. कॉलेज प्लेसमेंट मेरी क्योरफिट में हुई थी, बट ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस फाइनली आई लैंडेड अप इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड या इट वॉज प्रीटी गुड. एंड रिसेंटली आई हैव लेफ्ट माई जॉब टू वर्क ऑन माई स्टार्टअप तैयारी, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है. अभी डिटेल्स चल रही हैं, अभी हम बहुत सारे अलग अलग काम में लग रखे हैं, एंड या काफ़ी क्रेजी चीज़ काफ़ी जल्दी आप लोगों के पास आने वाली है. इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो बिल्डिंग एल्गो प्रेप विद सुबेश, जो हमने 1 साल पहले लॉन्च किया था. अभी उसका DSA प्रेप कोहोर्ट चल रहा है एंड बहुत जल्दी डेव भी लॉन्च होने वाला है. यू कैन डेफिनेटली चेकआउट algoprep.in, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब हम आ जाते हैं यार, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज कर रहे होते हो, तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी टीम में आप ज्वाइन कर रहे होगे फाइनली, बिकॉज टीम्स वगैरह बहुत रैंडमली असाइन होती हैं. सो हाउ इट हैपन्स इज कि आपको एक पूल मिलता है लाइक स्टूडेंट्स का फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, आपको फिर रैंडमली असाइन हो जाते हैं कुछ ये सारे लोग, इनमें से आप चूज कर लो कि आपको कौन चाहिए. इंटर्न्स के लिए भी सेम होता है. इंटर्न अगर आपको मिल रही है तो बहुत रैंडमली आपको असाइन हो रही होती है टीम. सो मेरे को जो टीम असाइन हुई थी उसका नाम था पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, PIM, एंड पहले उसको ब्रुकलिन कहते थे. अब कंपनीज में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो आपके प्रोजेक्ट नेम्स होते हैं ना, वो बहुत अजीब अजीब चीज़ों से लिखे होते हैं एंड बहुत रैंडमली बनाए जाते हैं. सो ब्रुकलिन वॉज द प्रोजेक्ट नेम फॉर अस एंड द टीम नेम वॉज PIM. अब एक्चुअली करते क्या थे? सो यार, पासवर्ड मैनेजर्स आप सब ने यूज़ करे होंगे. बहुत सारे अलग अलग पासवर्ड मैनेजर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं. आपको एज में भी पासवर्ड मैनेजमेंट मिल जाता है, आपको क्रोम में भी मिल जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटर्नल पासवर्ड मैनेजर्स आपको मिल जाते हैं. सो वी वर ऑल्सो अ पासवर्ड मैनेजर. एक ऐप है ऑथेंटिकेटर, वी वर अ पार्ट ऑफ इट. अब बड़ी बड़ी कंपनीज में जनरली ना सेक्शंस ओन करते हैं कंपनीज. ऑथेंटिकेटर में 3-4 सेक्शंस थे एंड वी आर ओनिंग वन ऑफ द सेक्शंस. वी आर ओनिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला सेक्शन. इसमें आपके सारे पासवर्ड्स आ जाते हैं, एड्रेसेस आ जाते हैं, पेमेंट्स की चीज़ें आ जाती हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम ओन कर रहे होते थे. इसके अलावा ऑथेंटिकेशन 2-फैक्टर वगैरह, वो एक अलग टीम ओन करती थी. देर वॉज अ टीम कॉल्ड DID, वो अलग एक चीज़ ओन करती थी. इसके अलावा US के लिए कोई और फीचर एक टीम बिल्ड कर रही थी, वो कोई और ओन कर रहा होता था. तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं. इसके साथ साथ एज एज इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. वी वर इन कोलाबोरेशन विद एज टू, बिकॉज एज भी पासवर्ड सेव कर रहा होता है. एज पे भी सारे आपको पासवर्ड्स, एड्रेसेस, पेमेंट्स मिल जाते हैं. सो उसका हमारे साथ सिंक में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. सो एज यू कैन सी, देर आर मल्टीपल टीम्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोडक्ट, एंड ऐसे ही मोस्ट ऑफ द MNCs में होता है. आप जनरली एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, आप एक प्रोडक्ट के छोटे से पार्ट पे काम कर रहे होते हो. If you are working at Zomato, for example, Zomato में multiple चीज़ें चल रही हैं. एक payments की टीम हो रही होगी आपकी, एक Zomato Gold की टीम होगी, एक आपकी जो dining वाला experience है उसकी टीम होगी, कोई आपकी delivery वाली टीम होगी, कोई एक end delivery वाली टीम होगी. ऐसे multiple teams होती हैं एंड जो प्रोडक्ट होता है मल्टीपल टीम्स अलग अलग बिल्ड करके एक साथ कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं. सो दिस वॉज द होल सीन. अब हमारी जो टीम थी PIM, उसमें मल्टीपल सब टीम्स थी. हमारी मल्टीपल सब टीम्स कौन सी थी? एक हमारी iOS की टीम थी, एक एंड्रॉयड की टीम थी, एक वेब एक्सटेंशन की टीम थी, और इसके साथ साथ एक सर्विसेज की टीम थी. सर्विसेज में बेसिकली बेसिक बैकएंड प्रोवाइड हो रहा होता था. हम एज के साथ सिंक करते थे, बट स्टिल वी नीडेड सम बैकएंड ऑफ आवर ओन, जो चीज़ें आसान करने में हेल्प करता था. वो एक सेपरेट टीम थी. देन देर वॉज एंड्रॉयड, सेम एंड्रॉयड एंड iOS में सेम फीचर्स बन रहे होते, सारी चीज़ें सेम हो रही होती थी, एंड देर वर 2 सेपरेट टीम्स फॉर दैट. एंड फाइनली वेब एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन था, जिसमें आप क्रोम में अपने एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ दोज पासवर्ड्स लाइक सीमलेसली अक्रॉस ऑल द 3 platforms. सो आई जॉइन द iOS टीम. जब मैंने iOS टीम ज्वाइन करी थी, देर वर ऑलरेडी 4 people देयर एंड आई वॉज द 5th one हु joined. ज्वाइन करने के बाद वन ऑफ देम रिजाइंड, ही वेंट टू गूगल. देर वर 4 people एंड आफ्टर 2-3 months अनदर पर्सन रिजाइंड एंड ही वेंट टू अनदर कंपनी. स्टार्टअप उन्होंने ज्वाइन कर लिया था. सो फाइनली 3 लोग ही बचे थे. ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम 5 to 3 हो गया था, तो जो वर्कलोड था वो वापस से बढ़ ही गया था. देर वर 2 very good लाइक टीममेट्स एंड आई, मतलब क्या ही बताऊँ, उनकी वजह से आई हैव लर्न्ड सो मच. देर आर 2, दिशा एंड देव. देव इज
5 to 6 years experience, मेरे से 3 साल बड़े थे. He was my mentor and my buddy, जिन्होंने मेरे को onboard वगैरह करने में help किया था. He told me कैसे चीज़ें करते हैं, कैसे चीज़ें work करती हैं. And Disha is one of my good friends and she was the other one जिसने मेरे को help किया था in like solving multiple things, learning multiple things. यहाँ तक हम आ गए हैं. अब यहाँ पे iOS सीखना था मेरे को. iOS में आपको मल्टीपल चीज़ें सीखनी होती हैं. एक तो स्विफ्ट लैंग्वेज होते हैं, स्विफ्ट UI होता है, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव सी भी सीखना होता है. जो हमारा कोड था ऑथेंटिकेटर वाला कोड वॉज इन ऑब्जेक्टिव सी. हमें उसमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव सी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. करंटली जितना भी कोड लिखा जाता है वो सारा स्विफ्ट UI में लिखा जाता है, स्विफ्ट में लिखा जाता है. हम सारा स्विफ्ट यूज़ कर रहे थे तो उसके लिए मेरे को स्विफ्ट लर्न करना था. तो आई लर्न स्विफ्ट. कैसे किया था? माइक्रोसॉफ्ट में आपको कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है बहुत सारे, एंड कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए. मैंने फ्री रिसोर्सेज भी यूज़ करे थे, मैंने कोर्सेज भी यूज़ करे थे, एंड वो सब करके प्लूरल साइट करके एक वेबसाइट है जिसका मैंने यूज़ किया था. उस टाइम पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज ट्राई करे थे यार, बहुत सारे. फाइनली आई फाउंड वन, वहाँ से मैंने पढ़ा. इसके अलावा मैंने फ्री रिसोर्स भी बहुत सारे यूज़ करे, कंबाइन करके मैंने बेसिक स्विफ्ट सीख ली. अब यार जब तक आप चीज़ें नहीं सीखते जब तक आप बिल्ड करना स्टार्ट नहीं करते. सो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी. मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह देखता जा रहा था, मेरे को लगता सीख गया. फिर आई स्टार्टेड गेटिंग बग्स. स्टार्टिंग में आपको किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो छोटे छोटे बग्स मिल रहे होते हैं कि यार ये एक छोटा सा बग है, ताकि आप फ्लो समझ पाओ पूरे आपका कैसे फ्लो वर्क कर रहा है. कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कैसे कॉल कर रहा है, दूसरे एलिमेंट पे डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो डेटा कैसे फिर सर्वर के पास जा रहा है. ऐसी सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो, छोटे छोटे बग्स मिलते हैं. एंड बड़ी कंपनीज में ना मल्टीपल चीज़ों का और भी ध्यान रखा जाता है. आपका एक तो एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा जाता है, बिकॉज पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनको भी आपको केटर करना होता है. तो वो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे एंड उसका हमें स्कोर वगैरह मिलता था. एंड माइक्रोसॉफ्ट में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. सो मोस्ट ऑफ द जो टेक स्टैक था वो स्विफ्ट पे था, ऑब्जेक्टिव सी पे था, एंड थोड़ा बहुत रिएक्ट नेटिव पे भी था. तो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ करके मल्टीपल फीचर्स डिलीवर करे, मल्टीपल बग सॉल्व करे, बहुत सारी चीज़ें करी थी. सो जो मेरे को फर्स्ट फीचर मिला था वो ऐड पासवर्ड का मिला था. जनरली अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी पासवर्ड ऐड करना है तो हमारे पास वो फीचर इनिशियली नहीं था, बिकॉज टीम काफ़ी जल्द ज़्यादा नई ही थी एंड धीरे धीरे हम नए नए फीचर्स ऐड कर रहे थे. सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स, मोस्ट आस्क्ड फीचर्स जो मैंने डिलीवर किया था, एंड इट वाज वेरी फन. अगर आप अभी भी चेकआउट कर सकते हो, द ओनली थिंग इज यू विल नीड अ माइक्रोसॉफ्ट ID. आपको @outlook@live ID चाहिए होगी ऑथेंटिकेटर में, वो वाला पार्ट चेकआउट करने के लिए, पिम वाला पार्ट चेकआउट करने के लिए, बट जरूर करना. एंड यू विल नो कि निशांत ने किस चीज़ पे काम करा था या निशांत ने किस चीज़ पे काम किया था. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीचर्स दैट आई गॉट इनटू. इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ों पर मैं और काम करता था, तो मैं बताता हूँ. एंड इसमें बेसिकली पासवर्ड ऐड करना था, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना था, एंड कुछ कुछ नई नई चीज़ें हम ट्राई कर रहे थे तो वो सब भी करी, एंड आई लर्न्ड अ लॉट. अब ये सारी चीज़ें हम करते कैसे थे? हमें एक SDK मिलता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. वो SDK की एक और सेपरेट टीम थी. जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैं वो वाली SDK टीम को मिस कर गया था गलती से. सो SDK टीम एक SDK बिल्ड कर रही होती थी, क्रोमियम बेस्ड SDK होता था जो हम सबको मिल रहा होता था. वो उसको अपडेट करते रहते थे, कोई नई नई जो फंक्शनैलिटी हमें यूज़ करनी होती थी उसमें ऐड करते रहते थे. एंड इसके साथ साथ कॉमन लाइब्रेरीज भी एक हमारी टीम थी, वो दोनों मर्ज ही हो गई थी बाद में. सो देयर वर दीज टीम्स विच वर देयर, एंड ये सारा काम हो रहा होता था. सो आई ऑल्सो वर्कड विद द SDK टीम, क्योंकि iOS का जो SDK था वो अलग से बिल्ड करना पड़ता था. थोड़ी इसमें भी BT आती थी, बहुत सारे गंदे गंदे एरर्स आते थे, एंड उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी एक्चुअली एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. एंड दिस वॉज वन ऑफ द टास्क दैट आई डिड इन द लास्ट लाइक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई जर्नी. उसके बाद वी वर्कड ऑन अ वेरी स्मॉल फीचर जो आई थिंक 15 दिन में मैंने डिलीवर किया था, ओनली 15 डेज. उसमें मैं क्या करना था कि वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 1 ईयर. सो हमें गो टू मार्केट के लिए, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था माइक्रोसॉफ्ट में भी आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट की एक PIM जैसा फीचर भी अवेलेबल है. तो हमने एक बैनर सॉर्ट ऑफ बनाया था विच हेल्प पीपल गेट इनटू द ऐप एंड यूज दोज फंक्शनैलिटीज. जनरेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी थी, ऐड पासवर्ड की थी, एक्सपायर, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज थी. तो हमने वो बनाया था. आई डिड दैट इन 15 डेज. सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हुई थी, एक्सेसिबिलिटी चेक करना, बग सॉल्व करना, सब कुछ एंड टू एंड 15 दिन में किया था. 15 दिन मतलब 2 हफ्ते में, वर्किंग डे तो उसमें 10 ही दिन थे. तो वो सब मैंने उतनी जल्दी डिलीवर किया था, एंड दैट वाज लाइक एक हैकाथॉन जैसी फील आ रही थी, एंड काफ़ी मज़ा आता वो सब करने में. इस सब मेजर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपके छोटे छोटे माइनर बग्स वगैरह आपको असाइन होते रहते थे. कुछ आपको कस्टमर फीडबैक्स आते थे, कोई प्रॉब्लम्स होती थी, छोटे मोटे बग्स हम सॉल्व करते रहते थे. एंड दिस वॉज द फर्स्ट ईयर. इसमें छोटी छोटी चीज़ें और करी थी, बट मेजर जो चीज़ें करी थी वो ये सारी. देन आई आस्क्ड माय मैनेजर कि प्रमोशन का क्या सीन है. When I completed 8-9 months, he told me that I have pushed from myself, but अभी ऊपर से इतना ज़्यादा final confirmation नहीं आया. Even showed me the email कि मैंने अपनी साइड से push कर दिया है, which was not allowed, but yeah, grateful कि he did that. So I knew कि हाँ मैं कर तो सारी चीज़ें सही रहा हूँ.
बट उस टाइम पे नहीं प्रमोशन मिला था बिकॉज मिड साइकिल में जनरली बजट्स वगैरह कम होते हैं, नहीं मिलता है. फाइनली आई गॉट प्रमोटेड इन ऑगस्ट साइकिल. एंड सैलरी वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, कैसे सैलरी प्रोग्रेशन हो रहा होता है, कैसे आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, कितने परसेंटेज आप लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी रेटिंग्स आपको मिल रही होती हैं, वो आगे करेंगे. आई गॉट माई फर्स्ट प्रमोशन एंड लेवल 59 से आई गॉट टू लेवल 60. लेवल 60 पे जब आप काम करने लगते हो तो आपको 61 के लिए चीज़ें डिलीवर करनी पड़ती हैं. 59 टू 60 इज़ प्रिटी ईजी. आई नो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. जनरली अगर आप सारा काम कर रहे हो तो सारी चीज़ें कर रहे हो तो डेप्थ में जा रहे होते हो, मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको बना दिया जाता है. तो 21 से 22 में ये सारी चीज़ें हुई. 22 से 23 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. पहले हमारा इंपोर्ट पासवर्ड फीचर ऑलरेडी था बट हमने उसको इम्प्रूव किया था काफ़ी ज़्यादा. इनिशियली आप बस CSV अपलोड कर सकते थे हमारे एक फॉर्मेट में, उससे आपके पासवर्ड्स इंपोर्ट हो जाएंगे. बाद में हमने बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर जैसे अपलोड कर रहे होते हैं उनका अलग से फीचर बनाया था, प्रॉपर एक अच्छा सा UI बनाया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी. उसमें काफ़ी टाइम लगा था एक्सेसिबिलिटी चेक करने में, इंटीग्रेशंस में, बहुत सारी चीज़ों में. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड आफ्टर दैट. इसके बीच बीच में काफ़ी सारे SDK वर्जन अपडेट हुए थे. SDK वर्जन करना, एक्सेसिबिलिटी करना, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें और भी साथ साथ चलती रहती थी. एंड इसके साथ साथ बीच में आपके ना बहुत सारी हैकथॉन्स भी होती थी. तो FHL होता है वहाँ पे, फिक्स हैक लर्न इन माइक्रोसॉफ्ट. तो आपके हर 6 months में एक हैकाथॉन हो रही होती है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है. यू कैन वर्क ऑन योर आइडिया, यू कैन वर्क विद द टीम्स आइडिया. PMs कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं तो वो भी बहुत सारे अटेंड किए थे. वी ऑल्सो वॉन्ट अ फ्यू लाइक हैकाथॉन्स एंड मस्त था वो भी, काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था. फाइनली ये सब होते होते AI बूम स्टार्टेड. एज यू ऑल नो 2023 स्टार्ट में AI वॉज बूमिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट प्लान टू शिफ्ट टूवर्ड्स AI. हमारी टीम को ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके थे, रेवेन्यू जनरेशन का अभी तक हमें आइडिया नहीं था. एंड रेवेन्यू जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी, राइट? तो वी हैड टू पिविट. टीम ने पिविट करना स्टार्ट किया. मल्टीपल हमारे बीच बीच में और चेंजेस होते रहते थे. फाइनली वी गॉट इनटू M365 आप सब लोग जानते होंगे, उस वाली ऑर्ग में हम शिफ्ट हुए. फिर हमारा जो फोकस था वो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पर हो गया, बट वो फिर से चेंज हो गया एंड वी वापस से गॉट इनटू लाइक इन टॉक्स विद अदर टीम्स, पीपल टीम एंड कॉन्टैक्ट टीम. फाइनली वी मर्ज्ड सॉर्ट ऑफ विद कॉन्टैक्ट टीम. पहले 6 महीने हमने मर्ज में काम नहीं किया, हमने उनके साथ सिंक में काम किया. ऑल दिस स्टार्टेड अराउंड अप्रैल और 2023. बीच वाला जो पूरा पीरियड था उसमें छोटे छोटे बग्स वाले वगैरह ही सॉल्व हो रहे थे, नए फीचर्स हम कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज वी वर नॉट श्योर वट टू डू. ये सब करने के बाद देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉन्टैक्ट्स. कॉन्टैक्ट्स में हमने एक बड़ा सा फीचर डिलीवर किया. वहाँ पर मैंने नई चीज़ सीखी, नई टेक्नोलॉजी सीखी. सो मैंने स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, बस स्विफ्ट पे काम किया था, थोड़ा बहुत रिएक्ट नेटिव पे काम किया था एंड ऑब्जेक्टिव सी पे काम किया था. देन वी हैड टू लर्न C# एंड .NET बिकॉज जो कॉन्टैक्ट्स का पूरा बैकएंड है दैट इज रिटन इन C#. एंड ये दिस वॉज वेरी न्यू फॉर मी. बैकएंड पे मैंने काफ़ी सारा काम किया, मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया. आई लाइक्ड द UI वाला पार्ट ज़्यादा बिकॉज उससे यूजर इंटरेक्शन सारी चीज़ें मिलती हैं. बैकएंड पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया. तो आई ऑलरेडी टोल्ड माई मैनेजर्स कि यार मेरे को ना टीम चेंज करनी है, आई वॉन्ट टू वर्क मोर ऑन फ्रंट एंड दैन बैकएंड. इसके बीच में वी ऑल्सो स्टार्टेड AlgoPrep. जुलाई में हमने AlgoPrep वगैरह स्टार्ट कर दिया था. मल्टीपल बैचेज हम कर चुके हैं. यू कैन डेफिनेटली चेक आउट कोहोर्ट 4.0. यू कैन एनरोल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड फिर 3-4 महीने में हमने वाला प्रोडक्ट डिलीवर किया. अक्टूबर तक हमने वो किया. अक्टूबर के बाद जब वो हो गया हम उसको चेक करते रहते थे. इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता गया मैं. Power BI भी साथ साथ सीखा, गस्तो वगैरह भी सीखा, बहुत सारी और क्वेरिंग लैंग्वेज भी सीखी. छोटी छोटी चीज़ें तो आप सीखते रहते हो जब आप एक SDE की तरह काम कर रहे हो. तो ऑल दैट आई ऑल्सो लर्न. एंड फिर अराउंड नवंबर आई गॉट अ सिग्नल फ्रॉम माई M2 कि टीम चेंज का थोड़ा थोड़ा सॉर्ट होता जा रहा है. यू विल मोस्टली बी गेटिंग इनटू अ फ्रंट एंड टीम. एंड बाद में हमारी जो टीम्स थी मर्ज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई. आई फर्स्ट गॉट इनटू अनदर M2, देन आई केम बैक टू माई करंट M2 जो पहले थे. ये सारी चीज़ें होती रही. M2 इज बेसिकली आपके मैनेजर का मैनेजर. देन मैंने नई टीम जो ज्वाइन करी थी दैट वॉज अ टीम दैट वॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड. आप अगर टीम्स वगैरह यूज़ करते हो सो देर इज़ अ कार्ड. जब आप किसी ये बंदे के उस पर हवर करते हो तो वहाँ पे आपको एक कार्ड दिखता है. दैट इज़ व्हाट माय टीम वाज वर्किंग ऑन, लाइव पर्सोना एडिटर. उसको जब आप एडिट करते हो जो आपको कार्ड मिलता है वो उस टीम के साथ मैं काम कर रहा था. उस टीम में मैं काम कर रहा था. LPE LPC इन सब चीज़ों पर हम काम कर रहे थे. अब नई टीम में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज थी. जनवरी में मेरा फाइनली शिफ्ट हुआ. जनवरी 2024 में मैंने वापस से सारी टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट किया. इसके बीच में और छोटे मोटे बग्स, छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व करता रहो, नई नई चीज़ें करता रहो, XYZ सब कुछ होता रहता था. कई बार कुछ नया POC करना होता था, सारी चीज़ें. फिर आई हैड टू लर्न JavaScript, आई हैड टू लर्न TypeScript. JavaScript मैंने पहले करी हुई थी बट और चीज़ें फिर से करनी थी. आई हैड टू लर्न React एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें. सो ये सब मेरे को करना था. नई टीम थी, 1-1.5 months के अराउंड मैंने किया. बट इसके साथ साथ साइड में हम तैयारी पे काम कर ही रहे थे. तैयारी का UI वगैरह ऑलमोस्ट डन हो गया था एंड वी वांटेड टू रेज फंड्स आफ्टर सम टाइम. सो फेब में
अराउंड 19-20 फेब आई डिसाइडेड टू रिजाइन. आई टोल्ड माई मैनेजर्स कि यार मैं इस चीज पे फुल टाइम फोकस करना चाहता हूँ. बीच में मैंने थोड़ा बहुत रिएक्ट सीखा था, मैंने रिएक्ट भी सीख लिया था, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी सीख ली थी, कुछ मेरे को बग्स वगैरह मिले थे, मैंने उन पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया था, मैंने पूरा कोड बेस भी सेटअप कर लिया था, सारी चीज़ हो गई थी. एंड देन आई रिजाइंड. रिजाइन करने के बाद आपको ना छोटी मोटी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करनी होती हैं. तो उसमें था कि मैं एक बार ऑन कॉल था, ऑन कॉल इंजीनियर रहा हूँ मैं एक हफ्ते, एंड मेरे को कोई भी ऑन कॉल आया नहीं लकीली, बट कुछ सेव थ्री सेव फोर बग्स वगैरह आए थे, वो मैंने चेकआउट करे, वो मैंने टीम की हेल्प लेके सॉल्व वगैरह किए थोड़े बहुत, बिकॉज आई वॉज न्यू, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे ऑन कॉल वगैरह वर्क करती है न्यू टीम में, तो मैंने वो सीखने का ट्राई किया. एंड फाइनली ऑन कॉल एंडेड आफ्टर सम टाइम, माई लास्ट डे वॉज देयर एट माइक्रोसॉफ्ट. सो दिस वॉज द होल जर्नी. मल्टीपल टेक स्टैक्स पे काम किया, मल्टीपल सारी चीज़ें सीखी हैं, स्टार्टिंग स्विफ्ट करी, ऑब्जेक्टिव सी करी, रिएक्ट नेटिव करी, उसके बाद तुम्हारे लिए बताऊँ तो C++ में जो SDK था वो सारा C++ में था, उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया. उसके बाद C# करा, .NET करा, फिर क्वेरिंग लैंग्वेजेस वगैरह भी सीखी, डैशबोर्ड वगैरह पे भी कैसे तुम ध्यान देते हो, सारी चीज़ें भी करी. इसके बाद देन आई मूव टू अ न्यू टीम, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, ये सारी चीज़ें भी सीखी. एंड दिस वॉज इट, दिस वॉज प्रीटी मच इट जिन सारी चीज़ों पर मैंने काम किया था. इट वॉज फन, बट या वेन यू हैव टू डू समथिंग न्यू यू हैव टू डू, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना ही पड़ता है. ये सारी चीज़ें करी यार. नया टेक स्टैक में जब भी सीख रहा होता था मैं यही ट्राई करता था कि मैं पहले वो लैंग्वेज अच्छे से सीखूं जिस लैंग्वेज में वो है, फिर ट्यूटोरियल्स देख के कुछ भी करके, एंड साथ में अपने छोटे मोटे साइड प्रोजेक्ट्स बनाता रहूं. थोड़े मोटे साइड प्रोजेक्ट जब तुम बनाओगे तो तुम्हें वो टेक्नोलॉजी अच्छे से आ जाएगी. जब मैंने स्विफ्ट सीखी थी, जब भी मैंने सिमिलर चीज़ करी थी, मैंने छोटे iOS के ऐप्स बनाने का ट्राई किया था, POCs वगैरह करे थे कुछ कुछ चीज़ों के, एंड ऐसे करके मैंने स्विफ्ट सीखी थी. सिमिलरली जब मैंने रिएक्ट सीख रहा था, रिएक्ट नेटिव सीख रहा था, एंड हमारा टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट सीख रहा था, जब भी मैंने सिमिलर चीज़ ही करी थी. एंड जब भी आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो आपको भी सिमिलर चीज़ करनी होती है. अब नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन तैयारी एंड आई विल गो प्रेप, सो रियली एक्साइटेड फॉर इट. रोल मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब नाउ आई एम अ co-founder. मेरे को फंड्स वगैरह रेज करने होंगे, मेरे को इन्वेस्टर पिचेस करनी होंगी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल दैट जर्नी. लेट्स सी हाउ इट गोज. आई विल कॉन्टिन्यूसली शेयर इट विद यू. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आप कोई एक बिग MNC ज्वाइन करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो, तो काम कैसे हो रहा होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज होते हैं, अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है तो आप कैसे सीख सकते हो. आई होप जो मेरा मोटिव था वो आपको इससे क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.